हाय फ्रेंड, मैं सम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि टीजीटी के लिए हम लोग स्पेशली मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे और यानी प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे थे, तो उस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं एज ऑफ चौसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो एज ऑफ चौसर से देखेंगे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि एज ऑफ चौसर से रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं उनको लेकर के हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और भी देखेंगे विद एनालिसिस करके देखेंगे कि हम ऑप्शन तक कैसे पहुँच पाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं और आपको ले चलते हैं एज ऑफ चौसर से जो रिलेट करने वाले क्वेश्चन है उनसे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है पूरा डिटेल्स, यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज ऑफ चौसर, तो एज ऑफ चौसर से मिलने वाले जो हमारे क्वेश्चन होंगे उन्हें हम देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लिखा है कि इन विच सेंचुरी डिड द रिनेसांस बिगिन इन इटली, यानी ये पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ष में रिनेसा की शुरुआत हुई थी इटली में, मतलब कौन से वर्ष में इटली में रिनेसा शुरू हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन आता है 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी और साथ ही साथ डी ऑप्शन है 16th सेंचुरी। इनकी 13 की बात कर रहा है, 14 की बात कर रहा है और 15 की बात कर रहा है और 16th सेंचुरी। तो यानी अगर हम लोग देखें तो इटली में जो हमारा रिनेसा शुरू हुआ था तो वो शुरू हुआ था आपका वो यानी 14th सेंचुरी। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर पाएंगे। तो जी दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये आपकी यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एज ऑफ चौसर से रिलेट करके जो चलता है। यानी यहाँ पे जो देखा गया कि जो हमारा रिनेसा था वो स्टार्ट कब हुआ था, मतलब कि इटली में स्टार्ट कब हुआ, तो वो हुआ था 14th सेंचुरी में, इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, जैसे कि हु सेज, कौन कहता है, रेडी टू वेंट ऑन माय पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल ऑफ डियर हार्ट, यानी कि ये जो लाइन दी गई है कि रेडी टू वेंट ऑन माय पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल डियर हार्ट। तो ये चीज कहने के लिए कौन थे, किसने में यानी कहा इस लाइन को, तो अगर देखा जाए ए पे ऑप्शन है मंक यानी गवर्नर और बी पे है जॉफ्री जेफ्रे और सी पे है द नाइट और डी पे है द पर्सन। तो अगर पूरा ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, यानी हम देखेंगे कि जो ये लाइन थी उन्होंने उसको कहने वाले थे जेफ्रे। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही होने जा रहा है बी, बी फॉर बॉम्बे, ये आपका सही हो जाएगा। यानी जेफ्रे ने इस लाइन को कहा था रेडी टू क्या, रेडी टू वेंट ऑन माय पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल ऑफ ड्यू हार्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार आपके सामने है, द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर टू थैंक एसटी थॉमस फॉर, ये पूछा जा रहा है कि जो कैंटरबरी में पिलग्रिम थे वो थैंक कहना चाहते थे एसटी थॉमस मोर को, क्यों कहना चाहते थे, वो रीजन क्या है, एसटी थॉमस को जो हमारे पिलग्रिम थे वो थैंक क्यों बोलना चाहते थे, क्या रीजन था, तो वो देखते हैं रीजन हमें 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो चलते चले देखते हैं क्या कुछ इसमें होता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन पे हमको मिल रहा है कि हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक, मतलब हेल्पिंग देम पे उनकी मदद करते थे व्हेन, मतलब जब दे वर सिक, जब वो बीमार पड़ते थे। प्रोवाइडिंग देम कि उन्हें प्रोवाइड करते थे वेल्थ, मतलब धन एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता। और ये कह रहा है कि अ रूटीन पिलग्रिमेज, अब उनके क्या मतलब दिनचर्या वाले जो पिलग्रिमेज थे। नेक्स्ट कहता है कि प्रेम टू एब्जॉर्ब एंड इंपेडिंग डेंजर। तो इन चारों ऑप्शन की पढ़ने के बाद ये बात समझ में आती है कि जो हमारे पिलग्रिमेज थे वो एसटी थॉमस को थैंक यू कहना चाहते थे, वो इसलिए कहना चाहते थे क्योंकि वो हेल्पिंग थे, वो सहायता करते थे एंड दे मतलब हेल्पिंग थे वो लोगों की सहायता करते थे When, मतलब जब दे वर सिक, जब वो बीमार पड़ते, यानी जब हमारे जो पिलग्रिमेज थे वो जब बीमार पड़ते थे तो ये उनकी क्या करते थे, मदद करते थे जो एसटी थॉमस थे। यही रीजन है कि जो हमारे पिलग्रिम थे ये इनका क्या करना चाहते थे, थैंक बोलना चाहते थे, कोई भी अगर आप उसकी हेल्प करते हैं तो वो थैंक बोलना चाहता है, दैट इज
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होता है ए, यानी हेल्पिंग देम व्हेन दे वर शिप। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक पहुंच गए और नेक्स्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आता हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है कि द नॉर्मन्स कंट्रोल इंग्लैंड इन द बैटिंग ऑफ हेस्टिंग्स एंड, ये पूछा गया कि जो नॉर्मन थे वो कंट्रोल मतलब इंग्लैंड को जीत लिए थे इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, मतलब जो हमारे नॉर्मन्स थे उन्होंने इंग्लैंड को जीता था हेस्टिंग नामक मतलब बैटल में, तो वो कौन सा ईयर था। तो यहाँ पे देखना है डियर कि वो पूछा है ईयर, तो हमें करना है क्लियर, आइए करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 1060 1066 1068 1070, तो यानी कौन सा वो सेशन था कि जब नॉर्मन्स इंग्लैंड को क्या किए थे मतलब इंग्लैंड को जीत लिए थे इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कि 1066, यानी आप कह सकते हैं कि 1066 में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को जीत लिया था इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो फिफ्थ की बातें कर लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास ये है कि द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा रेफर्स टू, यानी ये पूछा जा रहा है कि एक हमको फ्रेज मिला है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस रेफर्स टू, किसको रेफर किया गया है, यानी मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है, यही बात तो हमें जाननी है और आप तक पहुंचानी है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि लैंगलैंड, क्या लैंगलैंड को कहा गया ना, जेफरी चेसर, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, मेबी सी वाला है विकलिफ और डी वाला है डी डेलेट, तो क्या इन लोगों में से किसको कहा गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर चीजें हैं कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाने और किसको कहा गया है, जेफरी चेसर को कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही होगा ना वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, जेफरी चेसर। तो चलिए नेक्स्ट याद करें मतलब नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स व्हिच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग, ये पूछ रहा है कि प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स व्हिच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग, ये पूछना चाह रहा है आपसे कि कौन सा वो कैरेक्टर था जो हंटिंग और किसमें फेमस, मतलब हंटिंग के लिए और राइडिंग के लिए फेमस था, यानी उसको पसंद, यानी कि आपके कंटेम्पररी जो टेल की स्टोरीज बताई गई है मतलब कहानी जो उसने बताई गई है उसमें कौन सा वो कैरेक्टर है जिसको हंटिंग करना और राइडिंग करना ज्यादा पसंद है। तो इस तरह से हम ऑप्शन देखते हैं, स्क्वायर, बी द फ्रायर, ई मैन या द मंक, किसको पसंद है। ऑप्शन पढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं अपने ऑप्शन पे, ये ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, यानी कि द मंक, यानी मंक को ही पसंद था ज्यादा हंटिंग और राइडिंग के बाद। तो चलिए इस प्रकार से हम सिक्स तक तो कर लिए हैं, नंबर सेवन ले लेते हैं। तो नंबर सेवन हमारे पास इस प्रकार है, द देखिए इफिथैलमियम इज अ पोयम रिटन टू सेलिब्रेट, ये पूछा जा रहा है हमसे कि इपिथैलमियम इज अ पोयम, इपिथैलमियम इज अ पोयम रिटन टू सेलिब्रेट, यानी ये कहने का मतलब कि जो इपिथैलमियम है वो एक तो पोयम है लेकिन वो रिटन लिखी गई है टू सेलिब्रेट, किस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी गई यही बात बतानी है। तो आइए ऑप्शन तक पहुंचते हैं, क्या चाइल्ड बर्थ को सेलिब्रेट करना, मैरिज सेकंड ऑप्शन है, क्या मैरिज को सेलिब्रेट करना, और फिर वार सक्सेस, क्या वार में सक्सेस पाने के बाद यूनियन ऑफ फ्रेंड्स, क्या यूनियन यानी कि दोस्तों के संगठन को सेलिब्रेट करना। तो जी दोस्तों मैं आपको बता दूं जहां भी आए नाम एपिथेलियम का और सेलिब्रेशन की बात करें तो ये जान लीजिए कि वो मैरिज के लिए आएगा, बिकॉज एपिथेलियम इज द सॉन्ग ऑफ मैरिज, यानी मैरिज का सॉन्ग ही तो है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, यानी एक बार फिर से आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है मतलब कि बी और इन मैरिज, यानी मैं सीधे सीधे बताऊं कि जब भी आप एपिथेलियम का नाम सुने तो ये समझ जाए कि ये सॉन्ग ऑफ मैरिज की बात कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हमारे लिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, यानी लास्ट नहीं कह सकते मतलब आठवें नंबर की बात करते हैं कि हम आठवें नंबर के क्वेश्चन को ले लेते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इन द कैंटरबरी टेल अपीयर्स
dot dot. Then in the kind of a details, dot dot ki value here appears to be always busy and max. Always busy and max or show of his knowledge. ये नहीं कह रहा कि कंट्रोल में डिटेल वो कौन है जो अपीयर्स टू होता है ऑलवेज बिजी हमेशा बिजी ही दिखता है एंड मेक्स शो ऑफ हिज नॉलेज फिर ये अपने बंदे बनता है तो वो बच्चे देता है। अगर यहाँ पे देखा जाए कौन हो सकता है मिलर हो सकता है क्या ना कलर हो सकता है ना ही प्रेस्ट ये भी नहीं। यहाँ पर हम फोर ऑप्शन तक पहुंचे और अपने सही वाले ऑप्शन की बात करें तो मैन ऑफ लॉ क्या हो जाएगा मैन ऑफ लॉ। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपके 8 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो जस्ट आप मतलब 1 मिनट का समय लें आपको 9 से मतलब अगले नंबर की बात की जाएगी। चार सर एज के कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे 9 से आगे बढ़ाएंगे और बस 1 मिनट आप वेट कर लें ठीक। हाय फ्रेंड जस्ट मैं जैसे कि आप लोगों का एज आप चार सर में 8 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट किए हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाने में 9 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए 9 नंबर पर क्या है तो 9 नंबर पर दिया हुआ है एज ऑफ चार्सर से जो क्वेश्चन रिलेट करता है वो इस प्रकार है आपके सामने इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंपरेरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग द बैन वेरियर कम। तो ये पूछा जा रहा है ये थीवान सॉरी ये थीवान पढ़ा जाएगा इसको ये एक ही वर्ड है थीवान वेरियर्स कम। ये पूछ रहा है कि जो मतलब कि इन विच फॉलोइंग ऑफ कंटेंपरेरी टेल्स यानी कौन जो कंटेंपरेरी टेल्स की स्टोरीज जो थी उसमें क्या था कि डज द रेफरेंस किसको ज्यादा रेफरेंस दिया गया टू यंग थीवान वेरियर कम जो उसमें यंग थीवान नामक जो वेरियर आया था उसे किसको सबसे ज्यादा रेफरेंस मिला था। तो चलिए देखते हैं ये बात हो रही है कि ऑप्शन नंबर एक जो लिया हुआ है कि द नाइट टेल्स जो नाइट टेल्स था उसको द स्क्वायर टेल्स को या द मिलर टेल्स को या द फ्रायर टेल्स को कौन सी वो टेल्स थी जिसको प्रेफरेंस मिला हुआ था यानी रेफरेंस सॉरी। तो यहाँ पे दोस्तों चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पे ये रहता है आपका द नाइट टेल्स को ही रेफरेंस मिला था टू यंग के यंग थीवान वेरियर के द्वारा। तो अब हम लोग बात करते हैं नंबर नेक्स्ट की तो जो नंबर नेक्स्ट हमारे पास से वो है 10। तो 10 पे ये पूछ रहा है कि द ऑथर ऑफ यानी द ऑथर ऑफ ली मार्क द ऑथर इज यानी कि ऑथर ऑफ द मतलब ली मार्क द ऑथर यानी जो ये हमारी क्रिएशंस है इसका ऑथर कौन है ली मार्क द ऑथर का। तो यदि हम ऑप्शन को लें तो पहला ऑप्शन हमारे पास है जॉन लेली दूसरा है थॉमस मेलोरी और तीसरा है एडवर्ड गिवान है और चौथे की बात करें तो विलियम गोडविन है। तो चारों ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद ये पता चल पाता है कि हमारा जो ये ली मार्ट द ऑथर जो रचना थी उसके जो ऑथर थे वो थे थॉमस मेलोरी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है बी दोस्तों। तो 10 में 10 का ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो चलिए बिना देर के हम लोग 11 नंबर की भी बात कर लेते हैं तो द मैन हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज यानी यहां पे ये पूछा जा रहा है कि द मैन वो आदमी कौन है हु ब्रॉट जो लाया प्रिंटिंग टू इंग्लैंड यानी कि कौन वो था जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग को लाने का काम किया था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन है विलियम कैक्सटोन है बी ऑप्शन है जॉन गोवर है और सी ऑप्शन है रॉबर्ट फेबियन है और सी ऑप्शन है सी मॉर्टन है। दोस्तों बताना है इसमें कि वो कौन थे जिन्होंने इंग्लैंड में आपका प्रिंटिंग लाने का काम किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा ए वाला यानी विलियम कैक्सटोन थे जो मतलब इंग्लैंड में प्रिंटिंग लाने का काम किए थे। इस प्रकार से आपका 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर सही हो रहा है वो सही हो रहा है आपका ए वाला जो है विलियम कैक्सटन आएगा। तो चलिए आज के हम सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और बेस्ट क्वेश्चन लेते हैं एज ऑफ चार्सर से जो रिलेट कर रहा है एज पर ट्रिवेलियन इन इंग्लैंड we see for the first time the modern mingling with the medieval
यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि एज पर ट्रेवेलियन बताना है कि इन इंग्लैंड वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हम पहली बार देख रहे थे द मॉडर्न मिंगलिंग, कि जो आधुनिक को जोड़ने का काम कर रहा था आधुनिकता को विद द मिडिवल, मध्य से आधुनिकता को जोड़ने का काम जो कर रहा था वो कौन था। तो चलिए देखते हैं क्या ही वो स्पेंसर थे या चौसर थे या मिल्टन थे या शेक्सपियर थे। तो चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि जो मिडिवल को मॉडर्न से जोड़ने का काम कर रहे थे या उस तरफ बढ़ रहे थे वो थे आपके चौसर। इस प्रकार से आपको ऑप्शन सही होता है बी। तो जी दोस्तों, हम लोग एक बार यहाँ पे फिर से अपने पूरे एज ऑफ चौसर की से रिलेट करने वाले क्वेश्चन को समझ लिया है और ऑप्शन तक बहुत बढ़िया से पहुंच चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।